हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नए नेशनल रिकॉर्ड के साथ धरा पर उतरी स्वीप सांप सीढ़ी, जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिलाई मतदान की शपथ। लोकतंत्र के पर्व चुनाव को लेकर राज्य भर में मतदान जागरूकता के कई कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन इन सभी से अलग बाड़मेर ने अपने नाम नया कीर्तिमान दर्ज किया है। मतदाताओं की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के तहत मंगलवार को बाड़मेर जिला प्रशासन ने स्वीप सांप सीढ़ी के जरिए राष्ट्रीय रिकॉर्ड रचा। जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रसाद मदन नकाटे और सैकड़ों बालिकाएं इस नए रिकॉर्ड की साक्षी बनी। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि देश की सबसे बड़ी सांप सीढ़ी का रिकॉर्ड जिसके नाम दर्ज है, उन्हीं ने ये नया रिकॉर्ड बनाया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि बाड़मेर में मतदाता जागरूकता को समर्पित गेम शो के जरिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में देश की सबसे बड़ी सांप सीढ़ी का नया रिकॉर्ड बनाया है। मतदान जागरूकता कार्यक्रम में राज्य में पहली बार नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। पचौरी के मुताबिक अब तक देश की सबसे बड़ी सांप सीढ़ी का लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की WSSO इकाई के IEC कंसल्टेंट अशोक सिंह राजपुरोहित के नाम है और वे 900 वर्ग फीट का है। इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बाड़मेर जिला प्रशासन की ओर से 1600 वर्ग फीट की सांप सीढ़ी के साथ मतदाता जागरूकता को समर्पित गेम शो के जरिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में देश की सबसे बड़ी सांप सीढ़ी का नया रिकॉर्ड बनाया गया। अमित माथुर ने इस सांप सीढ़ी की डिजाइन की है। राजस्थान में मतदाता जागरूकता में ये पहला नेशनल रिकॉर्ड है जो कि बाड़मेर निर्वाचन विभाग के नाम दर्ज हुआ है। पायल जैन बनी पहली विजेता, जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी बधाइयां। अमित माथुर द्वारा डिजाइन की सांप सीढ़ी के दो खेल करवाने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने नेताओं को पुरस्कृत किया, साथ ही आयोजन में सक्रिय भागीदारी के लिए भारती महेश्वरी, वर्षा सोलंकी और अमीशा भाटी को भी जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्मृति चिन्ह दिए। साथ ही उन्होंने नए रिकॉर्ड को बनाने वाले अशोक सिंह राजपुरोहित को भी स्मृति चिन्ह भेंट किया। आयोजन में अपने संबोधन में जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रसाद मदन नकाटे ने कहा कि बिना किसी भय और बहकावे में मतदान करना चाहिए। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।